हेलो गाइस सर, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ओम प्रकाश आर्ट। और आप सभी लोग देख रहे हैं गाइस ओम प्रकाश आर्ट। सो गाइस सर, आज के इस ट्यूटोरियल में गाइस सर मैं ओपन करूंगा इस दोनों ड्राइंग पेंसिल्स को। तो चलिए गाइस सर, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ओम प्रकाश आर्ट को, और पास में जो बेल आइकन है गाइस उसे दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी लोगों के पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए गाइस सर, बिना देरी के मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं छोटे से इंट्रो के बाद। आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा ये दो पेंसिल गाइस, और आप सभी लोग को बताऊंगा भी कि आपके लिए ये वाला पेंसिल अच्छा है या फिर नहीं। सो चलिए गाइस सर, इस दो पेंसिल को अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस सर, सबसे पहले है गाइस मेरे पास ये वाला बूस्ट्रो का ग्रेफाइट पेंसिल, जो कि मैंने ऑर्डर किया था गाइस। और ये मुझे गाइस फ्लिपकार्ट से मैं ये ऑर्डर किया हूँ, और ये मुझे गाइस गिरा था 340 रुपीज़ का गाइस। तो चलिए गाइस पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। देख सकते हैं गाइस अंदर से इसका पैकिंग कुछ ऐसा है, और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस फाइनली हमारा ये है ब्रूस्ट्रो का गाइस ग्रेफाइट पेंसिल फाइन आर्ट वाला, जो कि गाइस 12 सेट का है, सेट ऑफ 12 का है। सो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस फाइनली हमारे पास ये आ चुका है गाइस ब्रूस्ट्रो का फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल, जो कि गाइस 12 सेट का है, और ये मुझे गिरा था गाइस 340 रुपीज़ का। यहाँ पर आपको पीछे भी देखने के लिए मिल जाता है गाइस। और गाइस यहाँ पर गाइस इतने सारे शेड्स वगैरह हैं, ये 2H है, फिर H है, HB है, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B और 10B। तो गाइस यहाँ पर आपको 10B तक के शेड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो चले गए सभी इसको पूरा ओपन करते हैं इस डब्बे को। इसे तो मैंने गाइस पूरा देख लिया ब्रूस्ट्रो का फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल। तो गाइस अभी इसे साइड करते हैं, और गाइस अभी लाते हैं हमारे इस वाले गाइस पेंसिल को। यह है गाइस कैमलिन का ड्राइंग पेंसिल सेट, और गाइस इसमें भी हमको गाइस देखने के लिए मिल जाते हैं HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B वाले शेड्स। तो चलिए गाइस इसे ओपन करके देखते हैं। और हाँ गाइस, इसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था, इसे मैंने गाइस लोकल में गाइस जब मैं बेंगलोर गया था गाइस वहाँ से मैंने इसको लाया था एक मॉल से। तो ये गाइस मुझे इसका प्राइस गिरा था गाइस मुझे 70 रुपीज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये है गाइस कैमलिन का ड्राइंग पेंसिल, तो आपको दिखा देता हूँ गाइस इसे भी ओपन करके। और कुछ देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके का पेंसिल्स है, और ये भी मुझे कुछ अच्छे ही लग रहे हैं गाइस। तो चलिए गाइस अब हम इसमें गाइस शेडिंग का टेस्ट करते हैं, और देखते हैं कि गाइस कौन सा पेंसिल बेटर है। तो चलिए गाइस अब हम यहाँ पर गाइस शेडिंग का टेस्ट करते हैं, और देखते हैं कि गाइस कौन सा पेंसिल बेटर है शेडिंग में भी। तो गाइस मैं फर्स्ट यूज कर रहा हूँ गाइस ये ब्रूस्ट्रो का HB पेंसिल। तो चलिए गाइस इसे शेडिंग करके देखते हैं। अब बारी आता है गाइस कैमलिन का HB पेंसिल का। तो चलिए गाइस इसे भी यहाँ पर शेडिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको फाइनल रिजल्ट देखने के लिए गाइस मिल गया होगा। सो गाइस ये है गाइस ब्रूस्ट्रो का HB पेंसिल, और ये है गाइस कैमलिन का HB पेंसिल। और यहाँ पर गाइस मैं अगर बात करूँगा अगर गाइस लाइट शेड का, तो गाइस यहाँ पर ब्रूस्ट्रो का गाइस मैं यहाँ पर बहुत ही कम प्रेशर, यानी गाइस मैं दो ही पेंसिल में कम प्रेशर का यूज़ किया था। और यहाँ पर अगर गाइस शेडिंग की बात किया जाए, तो यहाँ पर ब्रूस्ट्रो का पेंसिल गाइस बहुत लाइट है, जो कि गाइस होना भी चाहिए, क्योंकि ये गाइस HB पेंसिल है, और HB पेंसिल हमेशा गाइस लाइट ही होना चाहिए। और यहाँ पर आप गाइस अगर कैमलिन की बात करें, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पेंसिल थोड़ा सा डार्क चल रहा है। तो गाइस मैं अगर बात करूँ तो गाइस मुझे ब्रूस्ट्रो काफ़ी अच्छा लगा शेडिंग के बारे में भी, इसका शेडिंग भी बहुत ही अच्छा है गाइस। तो ये देख सकते हैं आपके सामने गाइस रिजल्ट है। ये तो हो गई गाइस लाइट पेंसिल की बातें, अब आते हैं गाइस इन दोनों के डार्क पेंसिल के ऊपर। तो गाइस सर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रूस्ट्रो का 10B वाला पेंसिल, और इसे अभी मैं शेडिंग करके देखूँगा और रिजल्ट कैसा है आपको दिखाऊँगा। चले गाइस इसमें शेडिंग करके।
तो अभी मैं यूज़ कर रहा होगा इस कैमलिन का 10B वाला पेंसिल और इससे अभी मैं शेडिंग करूँगा। देख सकते हैं गाइस फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है गाइस। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस अगर मैं टेक्सचर की बातें करूँगा तो गाइस यहाँ पर बूस्ट्रो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर दे भी रहा है गाइस। और यहाँ पर कैमलिन का अगर बात करूँ तो गाइस ये थोड़ा सा रफ टेक्सचर है। सो गाइस मैं तो गाइस बूस्ट्रो को ही चूज़ करूँगा गाइस और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेंसिल है। और गाइस आप अगर आप चाहें तो फ्लिपकार्ट में ये इजीली अवेलेबल है गाइस, आप वहाँ पर बूस्ट्रो का ग्रेफाइट पेंसिल लिख के गाइस ऑर्डर भी कर सकते हो। ये ओनली गाइस 340 रुपीज़ का है और ये कैमलिन गाइस ओनली 70 रुपीज़ का है। सो मेरे लिए तो गाइस बूस्ट्रो ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाइस यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही था गाइस और मैंने आपको गाइस कैमलिन और बूस्ट्रो के पेंसिल के बारे में गाइस बता भी दिया। और गाइस यार मैंने आपको मेरा ओपिनियन भी बता दिया कि गाइस मुझे बूस्ट्रो का पेंसिल अच्छा लगा और इसका टेक्सचर गाइस बहुत ही स्मूथ है और कैमलिन का थोड़ा सा बहुत ही रफ है। सो गाइस यार अगर आपके पास भी अगर गाइस इन दोनों में से कोई एक भी पेंसिल है तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइस आपको इन दोनों में से कौन सा पेंसिल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सबकी कमेंट रीड करूँगा। सो सर आपको अगर आज का इस ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ओम प्रकाश आठ को और पास में जो बेल आइकन है गाइस उसे दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट करना मत भूलिएगा गाइस, ताकि मेरा ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आप सब लोगों के पास जल्द से जल्द आ सके। और हाँ यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइस, इसके वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइस मैं बूस्ट्रो के पेंसिल और कैमलिन के पेंसिल से गाइस एक आर्टवर्क लाऊंगा गाइस आप सभी के लिए। सो गाइस चलता हूं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.